कैसे हो आप सब? आप सबको आनंद जी की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे भाई सुबह के 7 और आज तकरीबन 7वां दिन और अपनी गाड़ी हो रही है लोड। पहले श्रीनगर का प्लान था, फिर नहीं यार यहाँ पे मंदा पड़ा हुआ था, हम कर रहे हैं जम्मू के लिए लोड। आधार से भी परेशान क्योंकि बाहर अभी भी बारिश हो रही है, तो बारिश में ना लेबर के लिए भी बड़ा मुश्किल है काम करना। एक तो घर से भी आना, फिर पूरा कीचड़ में काम करना, मतलब जैसे अगर बारिश नहीं होगी तो इंसान सीधा काम करता है, हाँ जाला लगाया, लोडिंग करने में भी दिक्कत आती है। तो बस अभी बॉक्स वगैरह डलने स्टार्ट हो गए और 7 बज गए। यहाँ पे हमने गाड़ी रिवर्स करके लगाई, फटे खोल दिए, जो अंदर नीचे तरपाल था वो भी खोल दिया, ऊपर तरपाल तो वो तो टाइम के साथ ही खुल पाएगा। बारिश है भी है, मौसम थोड़ा सही हो गया ना, मतलब होनी नहीं चाहिए दिन में, या फिर आराम से लोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ गत्ते डाल रहे अभी लोडिंग जम्मू के लिए। तो मतलब जिस पार्टी का माल लेके जा रहे, यहाँ पे मैंने 2-3 चक्कर लगाए, वो सोनू भाई के आपने देखा होगा वहाँ पे, जो मैंने लास्ट चक्कर 10 चक्कर मैंने खुद लगाया था, वो भी इसी पार्टी का माल हम लेके गए थे, जिसके बाद हमारी 12 चक्कर की प्लान बन गया। तो 12 चक्कर के पहला चक्कर उन्हीं का ही है, चलो जैसा होता है सही होता है। अब ये माल हमारे पास कितने दिन पहले था? 4-5 दिन 6 दिन भी, जब पवन भाई गए, पवन मैंने वापस गाड़ी लोड भी कर ली जम्मू जाके। चलो होता है कई बार यार थोड़ा, अब कर रहे सारा सामान लोड। बर्दाश्त के लिए भी पहला चक्कर है केले का, वीडियोस में काफ़ी देखेंगे कि कैसे लोड होता है, आज देखेगा। और गोरी बैगल तो है ही पहला, वीडियो देखिए उसे ना, लोडिंग नहीं है बस। तो बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर आराम से हम भी थोड़ा फ्री होकर तरपाल वगैरह डालेंगे अच्छे से नीचे। अगर बारिश नहीं होगी ना तो फिर नया तरपाल डालेंगे, जो हमारा कपड़े का नया उसको अच्छे से फोल्ड करके, बारिश होगी तो फिर तो इसी को डाल देंगे। अभी तो नया इस पर भी पानी नहीं जाएगा, ये 2 डाल के फिर चले जाएंगे, जैसे जुगाड़ करके डाल के यहाँ से बॉक्स। और यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा, गाड़ी घूम घूम के अंदर आती है। चलो अब यहाँ से निकलेंगे लोडिंग के लिए। चलो मौसम बस बारिश ही होनी चाहिए यार, अभी सब सही रहेगा, कीचड़ तो वैसे भी है। हाँ बारिश की वजह से देखो सारा ही ख़राब हो गया, मतलब सारा किसी का भी काम सही नहीं चल रहा, पूरा बारिश कीचड़। अभी तो चलो रुका है, अभी निकलेंगे सीधा वाला, कि एक कांटा और होगा ना, अभी जो लेबर का कांटा होगा, मतलब वो पार्टी का जिसका माल है उनका, अभी तो हमने मेन कांटा ही करवाया है। बॉक्स लोड करके हम आ गए, अभी इसी रोड से हम उस दिन गए थे ना अकोला खाली करने के लिए, ये मतलब जो सावदा बाईपास से होके, और यहाँ से 7 किलोमीटर है सावदा रेलवे स्टेशन, फिर उसके आगे सीधा मतलब वो जो नागपुर वाली हाईवे है ना वो आ जाएगी। जब हम कई बार हैदराबाद जाते हैं इसी रोड से जाते हैं, हमें फाटा करना है बाहर, अभी उसके बाद इतने कहाँ पे जाना है, आसपास ही जाना लोडिंग के लिए, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर एरिया में गाँव में पहुँच है भाई। सारा गाँव वगैरह पार करके खेत में डाला वगैरह खोल दिया, फटे वहाँ रख दिए, मौसम भी बारिश का है, पहले नीचे नीचे माल सारा भरने होगा, बाद में जाला खोलेंगे। गौरी भैया थोड़ी खुशी, कल से हमारी तरक्की हुई, और ये सामने बगीचा, ऊपर काले बादल, पर यह है कि चलो गाड़ी रोड पे ही लोड हो रही है तो यहाँ पे नहीं है फंसने की इतनी खतरा है ना। बारिश नहीं होनी चाहिए लोडिंग करने तक, मतलब फिर हमें टेंशन रहेगी, हम तीनों को तरपाल पर बैठना पड़ेगा क्योंकि माल गीला होगा, वो भी अपना नुकसान है। बाकी बस जैसे लोडिंग स्टार्ट होगी, पहले जाले के नीचे सारा आएगा, फिर जाला खोल के तरपाल तो डालना ही पड़ेगा। वैसे हाइट तो बीच में पेड़ लगेंगे, इसमें यही तरपाल डालेंगे, अगर बारिश रुकी रही तो फिर आराम से कपड़े का तरपाल खोलेंगे, उसकी सेटिंग हो जाएगी। अगर बारिश लग गई तो फिर जो पीले वाला ऊपर डाला ये डाल के फिर निकल जाएंगे। अब देखते हैं कहाँ से निकलेंगे, या तो शेरपुर से निकलेंगे, या बुरहानपुर से, या पालघाट से। अब लोड करने के बाद ही मतलब लोड की टाइमिंग देख के गाड़ी कितने बजे तक लोड हो जाएगी। अभी टाइम अभी 9 बजने वाले हैं, और पवन भाई ये बाइक लेके वो दूसरा खेत देने कल के लिए, तो उनसे बाइक लेंगे हम, जाएंगे दूध लाएंगे, चाय बनाएंगे, क्योंकि अपने पास कल की रोटियां तो पड़ी हैं, रोटियां भी हैं सब्जी भी है, बस हमें अब चाहिए दूध बनाएंगे चाय, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। बस अपना सामान वगैरह सब उतारने शुरू हो गए, जो भी सेटअप है, बस बारिश नहीं होगी तो जल्दी हो जाएगा, बारिश आएगी फिर कांटा, जैसे कांटे को जनरेटर को बंद करना पड़ेगा, बारिश में चीज़ें निकल सकती, गत्ते वगैरह भी बाहर आ गए कुछ, बाकी अंदर हैं, और कुंडी चाहिए थी इनको, कुंडी रखते हैं अंदर। बाकी अपने पास तो है आदर्श बना रहा है, मैंने बोला वो बिना दूध वाली चाय बना दे, ब्लैक टी, अगर तब तक दूध आ गया तो, पवन भाई गए हैं वो अगर बाइक लेके आ गए तो बना देंगे हम चाय। अब हमें वापस से ना मैन वही सावदा कांटा करवाना, वो मैन कांटा, उसके बाद देखते हैं फिर। ओ गाड़ी पूरी गंदी है, जम्मू जाके दिलवाएंगे आराम से, क्योंकि वैसे भी परसों हमारी मंडी है, परसों सैटरडे रहने वाला है, तो एतवार को हम फ्री रहेंगे, एतवार गाड़ी वापस से वाश करवा देंगे, काफ़ी गंदी हो गई है एक ही चक्कर में। फाइनली भाई जन्नत का फर्स्ट केले का ट्रिप, कच्चे माल का, मतलब केला भी कच्चे माल में आ गया ना, तो उसकी लोडिंग हो रही है, अब स्टार्ट होगी, बस बरसात नहीं आनी चाहिए, तो अभी काम हो गया शुरू, जनरेटर वगैरह ऑन हो गया, कुछ पेटियाँ भी शायद अंदर चली गई हैं अब, बस आगे लग रही है पैटियाँ, पहली दांग लगना शुरू होगी, बाकी बॉक्स बन रहे हैं। बाकी आपको पता ही, आपने काफ़ी वीडियो में देखा कि भाई कैसे बनता है माल, बाकी तो पूरा प्रोसेस रहता है, वो हर वीडियो में दिखाया भाई कैसे कैसे रहता है, कैसे रहता है, क्या करना है, कट करो, फिर वॉश होते हैं, फिर बैक होते हैं वेट करवा के, और हर पार्टी का अपना होता है, किसी का 14 किलो, किसी का 1400, किसी का 15 किलो का डब्बा रहता है।
उजाला सारा हमने खोल दिया और अपनी गाड़ी की हाइट इतनी है, बहुत हाइट है, टूल गाड़ी से ऊंचा है अभी भी, हाइट से हमारी गाड़ी आगे से ऊंची है, जो तोता है उससे नीचे नीचे हाइट है। यहाँ पे भाई भी आ रहे हैं थोड़ा, और अपनी गाड़ी के एक बत्ते के नट गिर गए, एक नट मिला एक है ही नहीं है, तो मतलब एक बत्ता फ्री पड़ा है अभी, बाकी लोडिंग चल रही है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, बारिश आ गई तो खींच खूंच के तरपाल वगैरह जल्दी हमें डालना पड़ेगा ऊपर, बारिश नहीं है तो बाकी तो लोडिंग है, हाइट तो कुछ भी नहीं है अब। हाइट अपनी गाड़ी का इस तोते से भी कम है, हम चाहे ऊपर जाला भी डाल सकते हैं, पर है कि इस पर डालना नहीं है क्योंकि इसको दबा के रखना है, माल को लूज नहीं रखना, तभी मतलब माल गर्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तभी ऊपर पत्ते लगाते हैं, ये फोम रखते हैं कि धूप पड़े ना। अभी तो चलो बरसात का मौसम, बरसात भी आई है, आगे तो MP वाली साइड तो सब सूखा ही है, उसके आगे जम्मू तक गर्मी है, बस वहाँ दो बत्ते हो गए, अबे वो आगे तक कर देना, फिर हम तिरपाल खोलें ताकि तिरपाल खुल जाए हमारा, तो हम यहाँ पर रस्सा करना शुरू कर दें, उससे दोनों काम हो जाएंगे, गाड़ी भी लोड होती रहेगी और हमारा रस्सा भी हो जाएगा, नहीं तो लोड होने के बाद हमें रस्सा करना पड़ेगा, रस्सा करके यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है वहाँ कांटे तक, कांटा करके वापस निकल जाएंगे, फिर क्यों लगा थोड़ा बारिश में काम करना ना, थोड़ी सी लग गई मेरे को बाजू पर यहाँ पे नाम के ऊपर ही, बरसात आई, अभी कपड़े डाले थे हमने, रात से कपड़े नहीं करने जाने सर, कपड़े निकाले बारिश आ गई, आधी गाड़ी होगी लोड, आधी को तरपाल भी आके कर दिया, आधी के अंदर माल लग रहा है, बारिश भी पड़ रही है, समझ कुछ आ ही नहीं रही, सब तरपाल उतला कितना आया तो उधर करना था यार, बारिश तेज हो गई यार, भाई कर रहे पैक, पर यहाँ कच्चे केले के खा भी नहीं सकते, बारिश चलो हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा चलेगी तो ये टेंट भी उठने का खतरा है और अपने बाद तरपाल भी उठने का खतरा है, तरपाल कर दी आगे, बाकी वाली हाइट लगना शुरू होगी, उसके बाद डालेंगे पत्ते तो वहाँ तक हम तरपाल और भी कर देंगे, हवा चल रही है, बारिश रुकी वापस, और यहाँ पे तो अभी भी बैल से काम होता है भाई, बैल से आते जाके, और ये पवन भाई तो यहाँ पे मतलब गाड़ी भरवाते या माल गिनते, पवन भाई और भाई का मेरे को नाम भूल गया, हम शेरपुर गए थे मतलब लास्ट चक्र में साथ में, उसके बाद मैं 2-3 महीने का मैं खुद आया यहाँ पे ना, बस अब होगी लोड तो निकलेंगे अब यहाँ से टाइम से, तकरीबन 2-3 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, थोड़ी रहेगी गाड़ी बस, माल दूर हो गया ना खेत से तो वो पैदल पैदल ला रहे हैं, उस पर लग रहा है टाइम, तो यहाँ तक हमारा आधा तरपाल भी हो रखा है, हल्की की बारिश फिर फटे सामने रखेंगे, धूप भी है, बारिश पे चलती गाड़ी में पीछे से पानी नहीं जाता, बाकी तो आगे कालू भाई को शारिक भाई को मैंने पूछा बारिश बुरिश नहीं है आगे, बस मैं बोला इसी तरफ बारिश है, अब माल वो देखो लेके आ रहे भैया वो उस तरफ से आ रहे हैं खेत में, तो दूर से आ रहे हैं, उस वजह से इनको बार बार काम रोकना पड़ रहा है, फिर जब माल इकट्ठा होता है फिर एकदम भरना शुरू करते हैं, तो आप परांदे लेंगे कि यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, उन कोनों में लगाएंगे, वहाँ ऊपर बांधेंगे, इस चक्कर सारा परांदे परांदे लेके ही चलेंगे हम, दिन के 3 बजने वाले और थोड़ा ही रह गया काम अब, और ये तरपाल था जो नीचे डाला था, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं फोल्ड, और बस हाँ यहाँ से कर दे इसको आधा, एक और फोल्ड करेंगे तो फिर हम करते हैं वो, इसको बांधते हैं कर लेते ना यहाँ से आधा फोल्ड, पीछे जाला भी नहीं करना है, पीछे हमने लगाने फटे समय, आदर्श तू चलो जल्दी कर, चल चल पकड़ाता हूँ इसको, यहाँ रख तू चढ़ जा ऊपर, इसको पकड़ा देते हैं सीधा ऊपर, यहाँ पे चलने के लिए थोड़ी दिक्कत, 4 बज गए, यहाँ तो मैं तरपाल किया था यहाँ से हमें हाइट बढ़ानी पड़ी एक स्टेप, वो तो बिल्कुल अभी भी मतलब इतनी सी ऊपर हुई है गाड़ी से, थोड़ा ही रह गया माल, मुश्किल ये होगी ना क्योंकि ये माल ला रहे हैं वो उस पेड़ के पास से आ रहा है, वहाँ से घूम के बीच 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 से वहाँ से, वो भी थक गए, जैसे वो माल थोड़ा इकट्ठा होता है फिर जब मशीन चलती है जनरेटर चलता है तो पैकिंग स्टार्ट होती है फिर रुक जाती है, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, चलो यार अब यहाँ से हम निकल जाएंगे, तरपाल करना है थोड़ा, तो फाइनली नहीं यार होगी गाड़ी लोड, बस अब यहाँ से एक कांटा होगा, ये अपने भाई साथ में जाएंगे जो कांटा वगैरह करवाएंगे बिल्टी वगैरह सारा, उसके बाद हम निकलते हैं सीधा, गाड़ी लोड करने के बाद ना थोड़ा दिक्कत रहती है, मतलब मैं रोड में पहुँचने तक थोड़ा आपको पेड़ तारे सब बचाना है, मतलब पेड़ से तरपाल वगैरह गाड़ी छिलने से बचानी है, देखो कितनी आराम आराम से, रोड तो सही है बस हमारा थोड़ा ही है, एक बार ज़्यादा होता है इस बार तो थोड़ा ही है बस, पहले कांटे में पहुँच गए जो मतलब व्यापारी का कांटा, क्योंकि गाड़ी में जो डब्बे हैं उनका भी लोड रहता है कम से कम एक आध टन, तो वो व्यापारी का नहीं होता, अब व्यापारी का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कितना माल हो हमारा उस कांटे से, यहाँ से हमने किया था गत्ता लोड, बस यहाँ से खाली बॉक्स लेके जाने वो उनको जम्मू देने, बस अब कांटा करवाएंगे, 5:18 हो गए, अब देखो गाड़ी हुई पालघाट से जाने वाली, फिर पालघाट से जाएंगे तो हम जाएंगे बुरहानपुर से, जहान है जहान है ना भैया, बुरहानपुर से जाएंगे, लंबा पड़ेगा कोई टेंशन नहीं, कांटा वगैरह सारा काम फ्री, हम निकलते हैं यहाँ से, पर डाल रहे डीजल, मतलब अपनी जो भी गाड़ी है यहाँ से ऑलमोस्ट डीजल डालते हैं, यहाँ से करवा लेते टंकी फुल, फिर देखते हैं कितना है, राजस्थान में डालना पड़ेगा थोड़ा, फिर गाड़ी पंजाब में पहुंच जाएगी, यहाँ पे 91 मतलब 87
पैसे है यहाँ पे 92 ये समझो। हमारे पता कितना डीजल जम्मू में कितना डीजल 83 रुपीस, यहाँ पे 91। मैं कह रहा मैं जम्मू में डीजल अभी है 83, यहाँ पे 91। चलो चलते हैं अब यार, गाड़ से चलेंगे बस, वहाँ से बड़ा लंबा पड़ जाएगा ऊपर वाले पे। जो जिन गाड़ियों को पत्थर लग रहे हैं वो रात को ही निकली है, मतलब लेट नाइट। हम तो अभी टाइम से ही हैं यार, अभी तो 6 बजे 7, 7:30, 8 8:30 खरगोन हम पार कर ही देंगे, गाड़ी खींच के रखें तो कोई स्टॉप नहीं लेंगे वैसे भी। हम निकले अभी यहाँ से, खींच के रखो गाड़ी यार, देखते हैं देखा जाएगा। चलते हैं गाड़ से, वहाँ से बहुत लंबा पड़ेगा, बॉर्डर भी पैसे देने पड़ेंगे। वापिस ही अपना प्लान चेंज हो गया, हम पहुंचे रावेर। पहले हम कर रहे थे बच्चों वाली बात, अब मैंने सोचा 20-50 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी सेफ रहनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा बुरहानपुर, कोई बात नहीं, बॉर्डर पड़ेगा 400-500 खर्चा आएगा आएगा रोड से। और भाई जिस रोड से वो दूसरा पाल घाट है उस रोड में भाई देखो हमारा 1000 रुपया तो भाई यहाँ बॉर्डर में खर्चा आ गया, 700 वहाँ लग गया, बाकी टोल और कुछ लंबा भी है। अब बात ना वहाँ आती है यार, देखो किस्मत पे, वहाँ से शायद हमारे पैसे बच जाते, पर यहाँ से पत्थर पुत्थर का सिस्टम चल रहा है थोड़ा, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी बाद में यार, वहाँ सेफ नहीं रहेगा। बस अब बुरहानपुर में पहुँचने वाले, मतलब हमने ना MP में इंटर कर दिया, अंधेरा पड़ गया भाई, लाइटें वगैरह ऑन होगी गाड़ी की, और अभी हम पहुँचने वाले बुरहानपुर, रह गए 1 किलोमीटर यार। बड़ा गंदा रास्ता था रावेर से लेके बुरहानपुर तक, कर दिया बुरहानपुर पार। पता नहीं यहाँ से 4 लेन कहाँ से शुरू हो रही, मैं भी काफ़ी पहले आया था ना, ये तो गाड़ियाँ ही यहाँ पे हैं, यहाँ पे केले वाली गाड़ी तो काफ़ी हैं, ऐसे भी केला लोगड़ा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं 4 लेन कहाँ से शुरू हो गई, गाड़ी खींच के रखें यार, काफ़ी लेट हो गया। हम सोच रहे हम गाना खलगाड़ खाएंगे जम्मू वाले ढाबे में, पता नहीं वहाँ कब तक पहुँचेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, सोच रहे हैं सब्जी बना लें। एक गाड़ी भाई जम्मू वाली मिल गई हमें साथ के लिए, चलो यार भाई ने रोक ली रोड पे गाड़ी। अब आदर्श वहाँ तेल ले रहा है सरसों का और टमाटर प्याज, चलो भाई से पूछते हैं यार क्या सीन है, साथ में चलेंगे अब, दो गाड़ियों में साथ रहे ना। पहले हमारा प्लान था जो जम्मू वाला ढाबा है ना खलगाड़ वहाँ खाना खाने का, पर वहाँ लेट पहुँचेंगे, लेट नाइट मतलब अपना चलता है, गोरी भाई बोल रहे 12 बजे ना सुबह का ना शाम का, अपना तो आपको पता है 12 बजे हम खाते हैं वहाँ पे ही। तो अभी हमने ले ली सब्जी आलू बनाएंगे वापस से, शॉर्टकट भाई पुलाव बनेगा तो पुलाव बनाते हैं, अभी घाट सेक्शन ही पार कर रहे हैं, पता नहीं 4 लेन कहाँ से शुरू होगी, पूरा खतरनाक सा घाट है ये भी। जस्ट अभी ना 4 लेन शुरू हुई थी तो यहाँ एक हमें गुजराती होटल मिल गया, होटल एप्पल, तो अपने साथ गाड़ी उनका टायर पंचर हो गया, वो टायर पलटी करने लगे, तो ये भाई हैं कहाँ से भाई, अब महाराष्ट्र जलगांव से भाई की MH नंबर गाड़ी, भाई ने 2 बार रोकी चाय पीने के लिए, पर हम भगा रहे गाड़ी क्योंकि आपको पता है मैं अकेला चलने वाला, मैं जितना मेरा सफ़र जल्दी हो जाएगा फिर इंसान अगर रेस्ट कर सकता है, तो भाई से खिंचवाते हैं फोटो फिर पियेंगे चाय। ऐसे लग रहा है 5-स्टार होटल में आए, वो भाई अभी टायर बना रहे हम भी आगे खाना खाने के लिए, तो यहाँ फिर भी कैसा एक्सपीरियंस थे, कितने बंदे साथ घूम रहे 5-स्टार होटल, और रेट भी जैनुअन, अब देखते हैं। हमने भिंडी में मसालों और मिक्स वेज और हमें लस्सी ऑर्डर की है, और हम आए उससे पहले ही देखो पानी है, और भी चिल्ड पानी, नहीं तो बाकी ढाबों में बोलो भैया पानी है ठंडा, भैया नहीं बॉटल लेनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो वो चीज़ नहीं है यार। और ढाबे की साफ़ सफाई देखो एक बार, और वॉशरूम भी इतने साफ़ है ना, बढ़िया यहाँ पे सिस्टम यार। सब खाना खाते हैं फिर निकलते हैं आगे ना, आ गया अपना भाई मिक्स वेज भिंडी और छाछ और रोटियाँ तवे वाली बढ़िया से, चले फिर खींचे कम। भाई ने टायर बनवा लिया, खाना खाया वो भी निकले, तो एक गाड़ी और आ गई अपने साथ, ये भी जम्मू की है, चलो 3 गाड़ियाँ होगी, और एक गाड़ी अभी आगे कश्मीर नंबर गई है, वो कह रहा था भाई मैं आराम से तुम आप आ जाओ, 4 गाड़ियाँ होगी, 3-4 गाड़ी ग्रुप में हो चलने का मजा आता है, और रात को नींद भी नहीं आती, मस्त चलते रहेंगे। खंडवा 30 किलोमीटर, हमें देश गाँव से जाना है बुरहानपुर के, उसके लिए खरगोन के लिए नया टोल प्लाजा। भाई जब नए रोड का सुख लेना है तो भाई टोल तो देना ही पड़ेगा। बस ये ना डाउन उतर के हमें ये रोड छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा क्योंकि काफी बढ़िया रोड है, पर आगे ना पुल टूटा हुआ है, तो 2.5 किलोमीटर के पास से हमें लेना है लेफ्ट, तो वहां से 60 किलोमीटर चलना सिंगल, फिर खरगोन, फिर सिंगल, फिर रात को 1 बजे हम पहुंचेंगे वापिस से खलगाड़, वहां पे 4 लाइन पे पूरा डाउन आ गया, छोड़ दिया भाई यहाँ से हमने 4 लाइन को, यहाँ से वापस अपना सिंगल रोड रहेगा, जब ये बन जाएगी रोड तब तो बढ़िया बढ़िया हो जाएगी, सीधा हम इंदौर से बाहर निकलेंगे सीधा इंदौर, पर हमें काफ़ी लंबा घूमना पड़ता है। रात के पूरे 12 और हम पहुँच गए खरगोन, आज तक का सबसे लास्ट लेट मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब जब से मैं केला में केले के फेर लगा रहा हूँ सबसे लेट यहाँ पहुँचे हम, क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ियाँ लेट निकली, और ऐसा नहीं मैं अकेला हूँ, काफ़ी गाड़ियाँ अपने साथ भी। आई लव खरगोन।
गाड़ी की हालत देखो, यहाँ पहचान नहीं हो रहा क्या लिखा था। तो अपने साथ एक बाइक की गाड़ी है और पीछे जम्मू, उसमें बेबी बापू लिखा था। जहाँ हमने चाय पी बस, अब अपना स्टॉप कोई ज्यादा दूर ही लेंगे हम, तकरीबन लिबर्ट बाईपास पे। रात के 1:22 हो गए बस। अब खलघाट तकरीबन रह गया है मेरे हिसाब से ना 17 किलोमीटर यहाँ से, मतलब 17-18 मिनट और लग जाएंगे वहाँ पहुँचते हमें। तो फिर सीधा फिर गुजरी घाट चढ़ जाए एक बार, लिबर्ट बाईपास पार हो जाए, फिर देखते हैं। तकरीबन मैं तब तक मैं 3:30-4 बजेंगे, फिर मैं गोरी बेग उठाऊंगा 2 घंटे। अगर वो गाड़ी चला लेंगे ना, अब मैं 2 घंटे भी सो गया फिर मुझे आगे टेंशन नहीं है। और शायद हमें गौरव भी मिलेंगे और अपनी जानी को इस बार साहिल भाई लेके आ रहे, क्योंकि जो अपने राजू भाई हैं ना जो गाड़ी चलाते हैं हमारी, वो उनको घर में काम था तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करने का फ़ायदा नहीं। साहिल भाई को बोला एक चक्कर लगा दो आगे। भाई खलघाट, और रात को 2:30 हम चढ़ रहे हैं भाई घाट, खतरनाक घाट। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं घाट, मैन यही था डेंजरस, बस वो ऊपर प्लान आ गया। 3 नंबर चढ़ रही है गाड़ी और स्पीड देखो 20-22 की होगी, 5 के पास। वहाँ से आगे दूसरा टोल पार कर दिया हमने इंदौर, यहाँ से 82 किलोमीटर हमने छोड़ा। लेबर बाईपास 40 किलोमीटर में इस तरफ आगे जहाँ मेरे को वाशरूम जाना था, वाशरूम वगैरह हो लेते हैं। और गाड़ी की हालत, रंग तो शानी नहीं होता गाड़ी का, देखो कैसा कलर है और कैसी होगी गाड़ी। अब मैंने गोरी भाई को बोला मैं थोड़ी देर चलाएंगे गाड़ी, वो 4:25 अब चलने लगे गोरी भाई। बस मैं थोड़ी वीडियो ऐड कर लूँ, बाकी थोड़ा दर्ज कर देगा, बस एक बार सपोर्ट के देखनी है कि है ना, कर देगा बैठे बैठे। चलो भाई आराम से, तो मिलते हैं क्या वीडियो पे यार, बस थोड़ी 2 घंटे सो लें फिर चलते हैं।